तो अभी निकुंज को हमने भेजा है, वो रहा कहाँ गया बोरा, निकुंज को हमने भेजा है यहाँ पे चॉकलेट्स लेने के लिए। ये देखो ये पूछने के लिए, ये पूछने के लिए आगे ये कौन सी लेनी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी भी अंकिता के सिस्टर का मतलब कॉल वाला आया नहीं, तो शायद वो लोग पहुंचे नहीं होंगे, और पहुंच गए होंगे तो शायद भूल गए होंगे कॉल करना। अंकिता की बहन फोन नहीं उठा रही, तो पता नहीं वो लोग कहाँ पर है। और यहाँ पे भयंकर वाली भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ऐसी भीड़ में ढूंढने ये रहे, मिल गए। हाय 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 चले गए वो लोग। गाइस बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि इन लोगों की है ना, कोई नहीं गाइस घर पे जा रहे हैं, सुबह 4 बज रहे हैं, सोएंगे कब, मेरे को तो एडिटिंग करना है, तो मैं घर जाऊँगा। 1 घंटा है ये, घर जाके सबसे पहले लुढ़कने वाली है। मैं घर जाऊँगा, 1 घंटा मुझे लगेगा एडिटिंग करने में ब्लॉग की, एंड देन सोऊंगा, फिर पता नहीं कब उठूंगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मैं रात को ना अराउंड 5:30 बजे सोया था, मतलब सुबह के 5:30 बजे सोया था, पर बहुत जल्दी उठाऊँ क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना है, वो रह गया था। रात को एडिट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी मैं एडिट करके अपलोड करूँगा, उसके बाद शायद से थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगा। अगर अभी नहीं सोया तो फिर दोपहर को सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, पर सोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। तो फटाफट अभी एडिट खत्म कर लेता हूँ। पहले एडिट खत्म करते होते ये भी आ गई यहाँ पे पड़ी है, पता नहीं क्यों पड़ी है, बट बैठी हुई। अब ये इधर आ गई है ना उठ के, अब मेरे को मैं नहीं सो पाएगा क्योंकि अब ये उठ गई है तो मेरे को जीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी। ये बॉक्स अभी भी अनबॉक्सिंग करना बाकी है, जो आज करेंगे हम। अभी ये भूख लगी है, नीचे जाके नाश्ता है, तो नाश्ता खाना तो खाना, चाय वाय तो भी करेगी या नहीं, चाय पीनी पड़ेगी। चल 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 कुछ तो, हाँ जो भी होगा मैं खा लूंगा। चल आ जाता हूँ। नहीं सोच रहा मम्मी को मिलने के लिए, पर मम्मी बाहर चली गई है, पता नहीं कुछ काम वाम से गई होगी या फिर बैंक गई होगी। खाने में क्या है? अच्छा तुझे बनाया है, गवार बनाया है, अंकिता को बनाया आज। वाह यार, गवार में आलू नहीं डाले यार, मेरे को हर चीज ना चाहिए, भिंडी आलू, फ्लावर आलू, गवार आलू। अंदर से आलू के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। वो क्या बोलती है, तो आलू कच्चा आलू कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। फिर क्या है आगे मुझे नहीं मालूम। बैंगन ने लॉट मैं मारूंगा। क्या कर रहे थे फिर? रो रहे थे। ले मम्मी ने प्यार किया असर ऐसे। यार सुबह सुबह गर्मा गर्म खाने की मजा ही अलग है। हाय फाइनली मम्मी आ गई। मम्मी मैं नीचे उतरा सुबह से, मैंने मम्मी है ही नहीं, मम्मी बाहर चली गई है। और मम्मी गई मंदिर गई थी, देखो वाले कपड़े भी वैसे पहन के गए थे मंदिर जैसा। मैंगो बनी हुई मम्मी आज। ये देखो शंकर भी आया हुआ है। शंकर गुड मॉर्निंग। क्लीन शेव, मैंने बहुत टाइम के बाद ना शंकर को ऐसे क्लीन शेव में देखा है, बाकी दाढ़ी ऐसे बढ़ा के रखता है ये। तो नहा लिया है, अंकिता भी तैयार हो रही है। मेरे पे एक्चुअली एक भाई का फोन आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा उनको मिलने के लिए फटाफट। तो अंकिता तैयार होगी तो मैं क्या मिल के वापिस आऊंगा, एंड देन अंकिता को पिक करने आऊंगा। मतलब बड़ा परेशान करके रख दिया इस इंसान ने मेरे को। मुझे 10 मिनट लगेगा, मैंने इसको बोला। अरे पर वो आदमी आगे खड़ा हुआ है, ने 10 मिनट ज्यादा ले लिया नहाने का। झूठी सो रही थी तू। झूठ देख, मेरे पास भी टेडी और तेरे पास भी टेडी, और तू खुद देख टेडी। मजे करो। ये बच्चे दूर से बहुत चिल्ला रहे थे, मैं कुछ काम से जा रहा था तो मिलने जा रहा हूँ स्पेशली। तो गाइस ये लोग इतना ज्यादा चिल्लाए कि मैं वहाँ से दूर से इनको स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ। सारे के सारे बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही क्यूट है। चलो मेरा मिनी व्लॉग का एडिटिंग डन हो गया, और आज अंकिता वॉइस ओवर करने वाली है खुद के वीडियो के लिए, खुद के शॉर्ट्स के लिए। तो देखते कैसा रहता है। मैं वैसे इसका मेरा आशीर्वाद इसके सर पे है तो अच्छा ही रहेगा। मुझे गुरुजी करने का आशीर्वाद के लिए। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कैसा लगा। पीछे ट्राइपॉड पड़ा है, पर वीडियो को लाइक और मेरी चैनल। गाइज हम लोग कम से कम इसका 15-20 टेक ले चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट वाला नहीं हो पा रहा है, सिर्फ लास्ट वाला। बोला पूरे घर में ढूंढ रहा था कि मेरा आईफोन 13 वाला कहाँ गया, और ये गाड़ी में पड़ा था, मुझे पता ही नहीं, और मैं घर में ढूंढने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली हम लोग अंदर का दरवाजा ज्यादा बंद करते नहीं, खुला रखते हैं, पर अंकिता हमेशा बंद करती है क्योंकि अंदर एसी चालू होता है, और एकदम धीरे से करेगी ताकि किसी को आवाज भी सुनाई ना दे। बोले एसी की हवा बाहर चली जाती है, रोक ली एसी की हवा। तो वैसे बताना भूल गए, पहले हम जा रहे हैं हुंडई में क्योंकि इस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, तो इंश्योरेंस आज खत्म हो जाएगा। नहीं आज रात को 12 बजे तक का है। बात नहीं की है किसी से, डायरेक्टली जाके वो क्या है, मैं फोन पे बात करता हूँ, फिर टूट पड़ते हैं कि हमसे करवाओ हमसे करवाओ। जाके जो पहले इंसान मिले, जो सबसे सस्ता करके दे, उससे करवा लेने का, बात करता हूँ। तो एज यूजुअल हमारा कंसेप्ट हुंडई पे रिटर्न, पुरानी गाड़ी लेके नई गाड़ी देख के जलन करेंगे हम खुद को, मतलब खुद को जलाएंगे। ये देखो ये मनीष भाई है जिनको मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, दिव्या भाई इनको भी अब मैं बता चुका हूँ, इंश्योरेंस के लिए आए हैं। और अभी बैठे हैं आराम से इसलिए कि पेमेंट की लिंक नहीं आ रही। और हाँ, हमने दो कॉफी भी झटका ली है आराम से। वैसे ये बोल रही थी कि मेरे को साथ में ले जाया कर हुंडई में, मेरे को तो फ्री की कॉफी पीनी है बस। यही बोला था ना तूने? कुछ भी नहीं बोला था? नहीं बोला। तूने बोला था बहुत अच्छी बनती है, मेरे को पीनी है। पहली बार तो पी, अभी इतने वक्त में आई थी। लास्ट टाइम इसने कॉफी पी थी कि नहीं पी थी? कहाँ पी थी? चाय पी होगी। मेरा उपवास चल रहा था, नवरात्र चल रही थी। अरे यार पकड़े गए। ऐसा ना किया कर। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग वहाँ से निकल गए ना, उसके बाद मेरे पे लिंक आई कि अब आप पेमेंट करो, आपकी पॉलिसी कवर अप हो जाएगी। मैंने बोला हद है यार, रास्ते में साइड में खड़ी रख के सारी चीजें करनी पड़ी। पेमेंट करने में चलो मैंने बोला फटाफट हो जाएगा, मैंने कर दिया यूपीआई से। जैसे ही यूपीआई से पेमेंट किया फिर उसमें डिटेल आई, अब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करो। मैं लल्ला खत्म, अब लगे रहो इसमें। बहुत टाइम चला गया फिर उसमें। अभी हम जा रहे हैं, अंकिता ने कोई जगह ढूंढी है, वैसे मुझे पता है वो जगह, पर अंकिता ने बोला आज यहाँ पे जाने का मन है, तो हम जा रहे हैं IIM रोड पे। क्या कबूतर क्या करता क्या काफा काफा करके कोई कैफे है, वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे बहुत सालों पहले जब मैं बचपन में छोटा था तो वहाँ पे मोका हुआ करता था बहुत पहले। भूख भयंकर लगी है मुझे, भयंकर। ऐसे पेट में ऐसे आवाज आई थी। हाँ, वो तो मैंने भी सुनी थी गाइस। तो ये डबिंग कर रही थी ना, इसके पेट में ऐसे आवाज आई और माइक में रिकॉर्ड भी हुई थी। प्लान किया है कि हम लोग यहाँ जाएंगे इस कैफे में। बहुत भीड़ लग रही है, कैफे तो बहुत मस्त लग रहा है देख के। ये अभी है ना हमारे पे बहुत पानी उड़ा रहा था, तो उसकी तरफ वहाँ पे पीछे दिख रहा है आपको, तो कॉन्शियसली हमारे पे पानी ये वाला उड़ा रहा था, इसको बंद करवाया। अभी अंकिता मेन्यू देख रही है और मेरे ख्याल से ये जगह पे है ना शाम के बाद आने के बहुत ज़्यादा मजा आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत बहुत ब्यूटीफुल होती है। मुझे यहाँ पे बहुत वाली वाइब्स आ रही है। मेरा प्लेट तो आ गया। यहाँ पे शायद आपको म्यूजिक और हवा की ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो देखने में कैसा लगा? देखने में यम्मी लग रहा है। बाकी सब ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसी लाइन मारने का क्या मतलब, टेढ़ी में थोड़ा सा क्या है क्या? मुझे जैम लग रहा है। जैम है क्या? नहीं पता नहीं चल रहा है। ये भी मेरा आया, ये भी मेरा आया। यहाँ पे आके भी आलू, तो मुझे आलू चाहिए। आलू कचालू खा गए। अभी मेरी प्लेट में सो रहे हैं। खा के देख कितनी यमी लगती है इस सॉस के साथ। गरम है कैसा देखता हूँ? क्वांटिटी कम लग रही है। और ये देखो इंटरनेशनल मैडम का इंटरनेशनल टाइप का खाना आया है, वो कट वाला। मुझे देखने में तो अजीब लग रहा है, देखो खा के कैसा लग रहा है बता। अच्छा है भाई, किसी हैरी पॉटर के जादू के डब्बे की तरह क्यों लाए बिल को। तो गाइस ये है हमारा बिल, हमारी राम प्यारी आ गई वापस। तो हम लोग वापस से मुँह उठा के अहमदाबाद मॉल पहुँच गए। हाय बच्चे मिले थे ना, क्या गजब की एनर्जी थी। इतना दौड़ के आया था उनको मिलने के मजा आ गया। तू तो फोन पे लगे रहे, तू फोन पे रहे। कमी नहीं फिर से एचएनएम ले आई तो क्या हुआ? अब ये यहाँ पे 1-1.5 घंटा घूमेगी, 2 घंटा घूमेगी और लेगी कुछ भी नहीं। देखना तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लू या ना लू? चलना और खड़ा रहना मेरे को पड़ता है ना। मैंने बोला था नहीं फालतू में इतना ज़्यादा टाइम लगाएगी। देखो मैं फ्लोर पे बैठ गया और इतना थकान लगी, मेरे पाँव दर्द करने लगे। और देख क्या रहा हूँ मैं, लेडीज़ कपड़े और ये सारे पोस्टर लड़कियों के। उसको ध्यान भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको पता भी नहीं है। फाइनली हम रोस्टी में आए, इसकी वजह से डिहाइड्रेट हो गया है यार। इसके घूमते घूमते मुझे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ पीना पड़ेगा। तो हमने मंगाया वाटरमेलन आइस चाहिए, वो भी एक ही। इसने बोला कि दोनों में मंगाना है, रीज़न को नहीं है, कंजूसी। ठीक है, अच्छा है, ठीक है यार। अब मेरी कैपेसिटी आ गई है। भयंकर वाले पाँव दर्द कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कोई वो पता है मसाज चेयर आती है, वो भी नहीं है। बड़ोड़ा में बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी इसको चैन नहीं पड़ रहा है, बोल रही है नहीं मुझे एक चीज़ लेने की, अभी दूसरे वाले मॉल में चले, यहाँ सामने वाले में है ही नहीं, 1% भी नहीं है इंसान पे। ये फाइनली इसका कलर बार आ गया। हो गया तेरा? वैसे कलर बार से तो कभी लेती नहीं थी, आज क्या हो गया? अभी जैक एंड जोन्स में एक राउंड मारने का सोच रहे हैं। एक ये वाली अच्छी लगी पर प्राइस, ओ भाई 2200 रुपये। नहीं अच्छी है पर 2200 के वर्थ तो नहीं है। ये वाली टी शर्ट एक अच्छी लगी है, लेट्स सी अंकिता को अच्छी लगती है कि नहीं। अच्छी है क्या? ओके वर्थ इट है। ऐसा तो नहीं लेनी तो हाँ बोल, वरना फिर ना बोल। तो फाइनली वो वाली टी शर्ट परचेस कर ली है और वो अंकिता ने गिफ्ट किया है। मैं तो बाहर निकल के शॉप का बिल पेमेंट कर दिया। क्या बात है, दाल बात है। आओ पागल है क्या? इसको ऐसा कौन सा प्यार होता है बे? खुद मार रही है, बोल रही है दर्द हो रहा है, दिमाग खराब है तेरा। वेलकम बैक हमारी राम प्यारी। तो अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, IPL देख रहे हैं, मजबूरी है मेरी और इसकी और सिद्धार्थ भाई की शर्त लगी हुई है 1000-1000 रुपए की। ये बोल रही है गुजरात टाइटन जीतेगी और सिद्धार्थ भाई बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले जीतेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। 1000 रुपए की शर्त है। तो अभी सिद्धार्थ भाई बैठे हैं डिस्कॉर्ड पे और यहाँ पे मैच बहुत तगड़ी चल रही है और यहाँ पे अंकिता खुश होते हुए 14 बॉल में सिर्फ 4 रन चाहिए, अब जीत गए। शायद भाई बॉयज प्लेड वेल। सिद्धार्थ जी आप 1000 रुपए मेरे को कब दे रहे हो? अभी ले ले। तो अंकिता का आज प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए की शॉपिंग। सीरियसली मैं 1000 रुपए का यूपीआई कर दिया हमको। मैं ना उसे परेशान करना चाह रही थी, अगर वो नहीं भेजते तो मैं बार बार उनको परेशान कर सकती थी, अब मैं परेशान नहीं कर पाऊंगी। अभी हम खाना खाने बैठे हैं, मंगाई है खिचड़ी यम्मी यम्मी, और अंकिता ने मूंग दाल का हलवा भी मंगाया, बहुत यम्मी था, मैंने ट्राई किया। खिचड़ी तो खा ली थी और भूख लगी। अंकिता स्पेशली ये क्या है? खिचड़ी है राइस। एक बार मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया था बनाने के लिए अर्जेंट में, मैं ट्राई करके बताता है क्या ये खिचड़ी जैसा पुलाव है, बहुत यम्मी है पर क्वांटिटी बहुत कम आई इसकी। ओके गाइस एडिटिंग खत्म हो चुकी है, अपलोड करने के लिए रखूंगा, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है फिलहाल वीडियो। यूट्यूब के बॉक्स की अभी भी अनबॉक्सिंग रह गई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।